बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्म रही दृश्यम से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन दृश्यम फिल्म की तरह ही उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रियल सीन सामने आया है, जहां एक जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया और कार में उसकी हत्या कर दी, फिर शव को हाई सिक्योरिटी वाले DM आवास कैंपस में दफना दिया। शनिवार को जब इस बात की भनक हुई कि आरोपी जिम ट्रेनर ने DM आवास परिसर में शव को दफनाया था, तो ये पता चलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस रात में ही 10:30 बजे DM आवास पहुंची और चारों तरफ से DM आवास को सील कर दिया। इसके बाद मेन गेट के पास खुदाई कराई। 3 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने एक महिला का कंकाल बरामद किया। उसके ट्रैक सूट में बने कंपनी के लोगों से पति राहुल गुप्ता ने महिला की शिनाख्त की। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार दृश्यम मूवी को देखा था, यही वजह है कि उसने लाश को DM आवास कैंपस के अंदर दफनाया ताकि कभी किसी को शक न हो। दरअसल 4 महीने पहले सिविल लाइन्स के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने महिला को आखिरी बार 24 जून की सुबह ग्रीन पार्क जिम से निकलते हुए जिम के CCTV फुटेज में देखा था। वहीं घटना के बाद आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी भी फरार हो गया। ट्रेनर की तलाश में पुलिस ने पुणे, पंजाब, आगरा में छापेमारी की। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर फरार हो गया है। ऐसे में पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। वहीं अगले दिन 25 जून को जिम ट्रेनर की जूही मिलिट्री कैंप स्थित उसकी बहन के घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवल, सिम ट्रे मिले। इससे साफ हो गया कि महिला की हत्या कर दी गई है और 4 महीने से पुलिस ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में छापेमारी करती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। वहीं शनिवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन मॉल रोड पर दिखी। ऐसे में घेराबंदी कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। पहले तो शातिर विमल ने पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। उसने पुलिस को बिठुर के ध्रुव टीला की भी लोकेशन बताई, जहां पुलिस ने खुदाई कर शव को बरामद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। गंगा में फेंक देने की भी बात बताई, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं मिला। फिर सख्ती से पूछताछ पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि जिम ट्रेनिंग के दौरान कारोबारी की पत्नी एकता और उसके बीच नज़दीकी बढ़ी थी। इस बीच उसकी शादी तय हो गई और तिलक हो गया। इस वजह से उसने कारोबारी की पत्नी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। 4 महीने पहले 24 जून को महिला जिम से निकली तो वह कार से उसके पीछे आया और कार में बैठते ही कारोबारी की पत्नी ने उससे पूछा कि शादी क्यों कर रहे हो। इसके बाद दोनों की हॉट टॉक हुई। इस दौरान गुस्से में उसने महिला के गले में पंच मार दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वही हत्या करने के बाद शव को कार की पीछे वाली सीट के बीच लेटा दिया। इसके बाद कार लेकर सीधे DM कंपाउंड पहुंचा। वहां पर कार खड़ी थी और फावड़े से 5 फीट का गड्ढा खोदकर शव दफना दिया। इसके बाद कार को अपनी बहन के घर पर खड़ा करके उसी दिन रात में भांजे से घंटाघर पर कपड़े मंगवाए और महोबा में रिश्तेदार के घर पर छुपा रहा, फिर पंजाब चला गया। यहाँ पे जो ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ अपने जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो DM कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा, नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं,
तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, दो गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की। मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोग ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पे जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीजें थी उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फर्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहां आपसी सब लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, इसके कैसे ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में, कैसे आता जाता था? इसकी एक गाड़ी थी, गाड़ी थी तो आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूंकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है परिवार के लोग, परिवार नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी आई है, वो तो पीएम रिपोर्ट से पता। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पर पंच मारा, जो गला होता है उस पर पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पर तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसको उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दे गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, क्योंकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमर फेसी जो था, जो बेसिक चीज थी उसकी, वो ये था कि चूंकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ, और वो जब गाड़ी में आए दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा वो बता रहा था उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ, और उसी में फिर उसने पंच मारा, और चूंकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया अभी जांच। ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला, तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही, और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई फिर हमने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि एक स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है, तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई और जब उस पार्ट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई। कहीं कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए उस आरोपी को पकड़ने में, कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो, कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले 1 हफ्ता से हमारे साथ हैं, हमने कहाँ कहाँ पे टीमें ने भेजी। वो आदमी व्हाट्सएप भी नहीं यूज कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज कर रहा है, व्हाट्सएप नहीं यूज, मोबाइल नहीं यूज, बाकी नहीं यूज, तो आप समझ सकते हो कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में जैसा मिलने पे पूछने पे बताया इसने, पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहां पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहां से निकलते हैं कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी, उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किसमें जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है, तो डीएम कंपाउंड मैंने कहा ना डीएम कंपाउंड है ही नहीं, डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, या ये जो है
ये जो एरिया है ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है, यहाँ पे सर सभी फॉरेंसिक की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है, उसके बाद वहाँ पर जाके बॉडी रिकवर करके लाई है। उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर से निकल करके जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना, आपके जिलाधिकारी ने कुछ ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने बॉडी लगी हुई आपके सामने बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात नहीं, जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया, ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया, क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम लगी हुई थी। जांच होनी है, अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई है। दफनाया क्या उसी दिन, दफना दिया था क्या जिस दिन मारा? हाँ तत्काल, जैसा उसने बताया तत्काली कर दिया। गड्ढा खोदा उसने, डीसीपी हाँ गड्ढा वहाँ पे उसने खोदा हुआ था, जैसा उसका बताया है, और फिर बाद में उसको दफन किया।